हे गाइस वेलकम आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिया के लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेंज के बारे में जानने हैं आइनॉक्स लीजर्स लिमिटेड यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे पैसे रेज करने की मतलब पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर ले तो एक अपने छः महीने का जो ब्रेकआउट लेवल ले है उसके पास आते हुए देखने को मिल रहा क्योंकि बहुत ही उन्होंने कोशिश की थी कि ब्रेकआउट करने की लेकिन अब तक उन्होंने क्रॉस नहीं किया ब्रेकआउट व रजिस्टर उन्होंने क्रॉस नहीं किया तो अभी चांसेस हो सकते हैं और धीरे धीरे जैसे इनके बाकी स्टेट में भी मतलब राज्यों में भी इनके जो तो थेटर्स ओपन होते जा रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी भी खबर हो सकती है तो धीरे धीरे रिकवर होने के चांसेस है फिलहाल तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में हम कह सकते हैं ये कोविड के सिचुएशन की वजह से पूरी तरह से टूटने के बाद उसी लेवल पे हमें फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है तो खरीदारी का मौका कौन सा हो सकता है कौन से लेवल पे खरीदना सही होगा तो इस वीडियो पे हम पूरी तरह से जानकारी कोशिश करेंगे अगर आपको ऐसे शेयर्स में निवेश करके पैसे कमाने हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरत हो तो मैंने नीचे आप स्टॉक की लिंक दे दी है वो लिंक यूज करके आप पंद्रह मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं दोस्तों अभी बात करते हैं आइनॉक्स लीजर कंपनी के जो क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे भी अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन की वजह से पूरे तरीके से टूट चुके तो नतीजे भी उतने बुरे ही आते हुए देखने को मिल रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे जो इनका नेट प्रॉफिट था नेट लॉस था वो नेगेटिव में चल रहा था तो वो थोड़ा रिकवर होते देखने को मिल रहा है थोड़ी सी रिकवर भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिला तो साथ ही साथ जो क्वार्टर टू के नतीजे उन्होंने अनाउंस किए साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो क्यू आई पी के जरिए फंड रेज करने वाली है फ़ंड इकट्ठा करने वाली है तो फंड शायद से उनको भी ज़रूरत होगी क्योंकि कोविड नाइन्टीन का सिचुएशन के बाद उनके पास पैसे भी नहीं होंगे ये शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको बिजनेस बढ़ाने ग्रोथ बढ़ाने के लिए शायद वो यूज़ कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे पीवीआर के बाद यही एक सेक्टर्स मतलब यही है एक शेयर से जो कि उसको टक्कर देने वाला है कंपिटेटर्स है और लगभग इंडिया में लगभग 600 से प्लस 600 प्लस इनके स्क्रीन है और वो भी पीवीआर के बाद एग्रेसिवली अपने नए नए स्क्रीन ओपन कर करते जा रही थी प्री कोविड जो पहले कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन से पहले लेकिन अभी तक उनको दिक्कतों का बहुत सामना कर, करना पड़ रहा है तो इसके बदलते उनको फंड की रेज की जरूरत थी तो इसलिए वजह से वो क्यू आई पी के जरिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए वो फंड रेज करने वाली है अगर हम इसका उसका आज का इंपैक्ट उसका इंपैक्ट अगर देखेंगे तो लगभग हमें दो पॉइंट सत्रह परसेंट की रैली देखने को मिल रही है दो सौ बहत्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है मैं अगर आपको बता दूं कि जो कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन की वजह से ये शेयर्स हमें उसी लेवल पे फिलहाल छः महीने से ट्रैक करते हुए देखने को मिल रहा है वॉलेटिलिटी बहुत ही देखने को मिल रही है इसमें इतना मतलब साइड में हम कह सकते हैं मतलब अप एंड डाउन अप एंड डाउन उसी वेव्स में इस उस मतलब इस टाइम पे हमें वो खरीदारी का सही लेवल नहीं हो सकते हो क्योंकि हम अटक जाते हैं क्योंकि ये शेयर ना आप ट्रेंड जा रहा है ना डाउन ट्रेंड जा रहा है आप अगर आप ट्रेंड जाते हैं तो आप और ख़रीद सकते हो लेकिन डाउन ट्रेंड जा रहा है तो मतलब यहाँ पे चांसेस भी हो सकते हैं गिरावट का या नहीं तो या फिर से बाउंस बाउंस बैक करने का भी चांसेस हो सकता है तो इस, इसे सिचुएशन में साइड व्यू सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता कि क्या खरीद क्या किया जाए खरीदा जाए या बेचा जाए तो इस उस टाइम पे भी आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब सिर्फ पे रखनी है अगर आपको इंटरेस्टेड है इस चेस में डेफिनेटली फिलहाल अभी तो इस धीरे धीरे बाकी स्टेट में जो ओपन होते जा रहे हैं इनके थिएटर्स तो उनमें एक अच्छी बात भी हो सकती है कि इनमें हमें फिर से रैली आना हो मुमकिन हो सकता है और मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है ऐसा स्टेट है इनके लिए जहाँ से पी हो या आइनेक्स हो आइनस हो तो उनसे लगभग 25 परसेंट रेवेन्यू महाराष्ट्र क्षेत्र से ही आता तो और महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ पे थिएटर्स ओपन के लिए इनको नवंबर मंथ से परवानगी दी है परमिशन दी है तो एक अच्छी बात भी हो सकती है इनके लिए लेकिन इनको मैं आपको बता दूँ लगभग प्री कोविड सिचुएशन आने के लिए मतलब इनको रेगुलर ट्रैक पे आने के लिए एक से दो साल हम पकड़ सकते हैं क्योंकि दिक्कतें भी बहुत सारे इनके ऊपर अभी फिल्म मंडरा रही है अगर देखेंगे पब्लिकली डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे और पब्लिक पूरी तरीके से सेट मतलब सीट्स जितने होंगे उतने तो बैठे रहेंगे फिफ्टी परसेंट यहाँ सरकार ने अनुमति दी कि फिफ्टी परसेंट्स यहाँ सीट एक्वायर करनी चाहिए और यहाँ पे पूरा सैनिटाइजर करके मतलब जो प्रोटेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए तो इसकी बदल लगभग हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ अगले क्वार्टर्स हमें इनके अच्छे देखने को मिल सकते हैं नतीजे अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर क्यू आई की बात की जाए तो क्यू आई लगभग कौन से प्राइस पे वो क्वालिफाइड कौल, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्रोवाइड करने वाले वो लगभग है दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मतलब फिलहाल दो सौ बहत्तर के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और दो के आसपास उनको प्राइस वो प्रोवाइड करने वाले है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को तो एक अच्छी बात भी हो सकती है उनके लिए क्योंकि यहाँ पे फंड रेज करनी चाहती है कंपनी और कोई कैसे ना कैसे जरिए अगर आप सभी को पता है कि एफ पी ओ के जरिए ऑफर फॉर सेल्स के जरिए या तो आई पी ओ के जरिए फंड रेज करती है कंपनी तो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग आईपीओ तो लाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है रेगुलेशन है तो यहाँ पे क्यू आई पी के जरिए या कंपनी यहाँ पे फंड रेज करना चाहती है क्योंकि उनको भी बहुत फास्ट तरीके से ही होता है और उसको बहुत सारे कम रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो इसके बजाय तो कंपनी ने क्यू आई पी के जरिए यहाँ पे फंड रेज करना चाहती है दो सौसेस का उन्होंने यहाँ पे प्राइस डिसाइड किया है अगर इनके रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर कंपनी कंसिडर नेट लॉस अगर देखेंगे तो सेवेंटी सिक्स करोड़ सेप्टेम्बर क्वार्टर कंपेयर टू ईयर ऑन अगा मतलब पिछले साल के क्वार्टर में सिक्सटी सिक्स करोड़ के यहाँ पे लॉसेस हमें का देखने को मिल रहे हैं अगर यहाँ पे कंपनी अगर देखेंगे कंपनी स्टूड नेट लॉस अगर देखेंगे फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी करोड़ इन करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फीस टोटल इनकम अगर देखेंगे तो एक सौ बहत्तर करोड़ एक सौ छिहत्तर करोड़ इनका हिंस इस क्वार्टर में है और पिछले साल के क्वार्टर में अगर देखेंगे तो एक सौ तिरयालीस क्वार्टर के एक सौ तिरयालीस करोड़ के आसपास है मतलब टोटल इनकम में हमें पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रही है और टोटल एक्सपेंसिस अगर देखेंगे मतलब इनके खर्चे देखेंगे तो दो सौ बयानवे करोड़ के आसपास पहुँचे हुए है। हैं मतलब तीन सौ करोड़ के आसपास लगभग इनके खर्चे पहुंच चुके हैं और पिछले साल के क्वार्टर में अगर देखेंगे वो दो सौ तेरह करोड़ के आसपास थे मतलब इनके खर्चे भी बढ़ चुके हैं इनकम पूरे तरीके से टूट चुका है तो इसकी बदल यहाँ पे क्यू आई पी के जरिए यहाँ पे फंड रेज करना चाहती है अगर हम कंप्यूटर की भी बात की जाए पी वी आर की भी बात की जाए तो पी वी आर में अगर देखेंगे तो हमें पाँच पॉइंट बहत्तर परसेंट की रैली देखने को मिले तो इसका एक ही रीजन है जो अनलॉक ट्रेड है मतलब यहाँ पे जो बाकी स्टेट को जो बाकी स्टेट के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट भी ओपन होने के चांसेस बहुत मतलब ओपन री ओपन होने वाले तो इसके बदल हमें और ऑलरेडी उप, ओपन भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में तो इसके बदल हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है पीवीआर और आइन ऐसे दोनों शेयर्स में आपकी इंटरेंसर रहनी चाहिए अगर हम आइन की खरीदारी की बात की जाए अभी फिलहाल इनका लेवल में अभी अगर मैं दिखा दो छह महीने का मैं डेटा दिखा दूँ तो लेवल अगर यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो तो इनका जो लेवल था रजिस्टेंस लेवल है वो तीन सौ रुपए का है यहाँ पे उन्होंने एक बार क्रॉस किया है मतलब ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन वहाँ पे वो टिक नहीं पाया फिर से हमें डाउन ट्रेड जाते हुए देखने को मिल रहा है तो साफ साफ यहाँ पे हमें जो इनका ऊपर की तरफ रजिस्ट्रेंस देखने को मिल रहा है वो तीन सौ का देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली अभी आशंका भी यही है कि क्यू आई पी के जरिए हो ये फंड रेज करेंगे तो डेफिनेटली इनमें बायर्स बढ़ने के चांसेस बहुत है तो बायर्स अगर डिमांड बढ़ेंगी से, तो यहाँ पे हमें इन शेयर्स में रैली देखने को मिल सकती है और डेफिनेटली अगर 300 क्रॉस होता है तो इनका जो ऑल टाइम हाई है वो चार के आसपास है तो वो भी हमें फिलहाल जल्द से जल्द टच करते हुए देखने को मिल सकता है लेकिन आपको यहाँ पे समय देना होगा शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कुछ भी हम कह सकते कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें निवेश करोगे तो डेफिनेटली इस शेयर में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है तो अभी फिलहाल भी सही मौका हो, हो सकता है इस टाइम पे थोड़े से अमाउंट में आप निवेश कर सकते हो और बाकी की बात जब ये तीन का लेवल क्रॉस कर जाए एक बार तीन का लेवल के ऊपर जा, जाता है तो डेफिनेटली आप और भी ज्यादा मतलब जितना आपका अमाउंट है फिफ्टी अभी डाल सकते हो इस लेवल पे और फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट 300 के लेवल के ऊपर डाल सकते हो तो ही आपको यहाँ पे लेकिन आपको डेफिनेटली मैं आपको फिर से बता दूं कि एक से दो साल तक इनको कम यहाँ पे प्रेशर्स बना रहेगा कि यहाँ पे प्री कोविड सिचुएशन जो चल रहा था इनके जो लेवल था उस लेवल पे आने के लिए कम से कम एक से दो साल हम पकड़ सकते हैं उस लेवल पे आने के लिए तो इस चेस में आपको डेफिनेटली रडार पे रहें चाहिए फिर से भागने लगेंगे तो आपके हाथ नहीं आने वाला है तो डेफिनेटली ये चेस आपकी पोर्टफोलियो में रहना चाहिए तो आई होप आशा करता ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके मन में कोई डाउट के रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों